हेलो दोस्तों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप देख रहे हो कुकिंग विद निकिता रोस्टी चैनल। आज तरबूज का जूस बनाते हैं, ना बिना मिक्सर के ना बिना जूसर के। क्या ही करना है, तरबूज को पहले ऐसे क्यूब्स में काट लेने का। काटने के बाद है ना, चॉपर आता है मार्केट में 200-300 का अवेलेबल है, तो उसमें ऐसे ना क्यूब्स को ऐसे डाल दो, क्योंकि सॉफ्ट वैसे ही रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने उसका ढक्कन लगा दिया है, अच्छे से लगाना है ना। उसके बाद ऊपर उसको दबा के रखना, फिर धागे को ऐसे कंटिन्यूसली खींचते जाने का। आप देख ही रहोगे, जैसे जिस मैटर से मैं खींच रही हूँ वैसे ही खींचना है धागे को। खींच चुका है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना जूसी हो गया ये। आप देख ही रहे हो कि जूस पूरा नीचे आ चुका है, एकदम बारीक बारीक सा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें क्या करना है, एक चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपका तरबूज मीठा है तो शक्कर अवॉइड करिए, नहीं तो तरबूज मीठा नहीं है तो एक चम्मच शक्कर डाल दो और थोड़ा सा काला नमक डाल दो, जिससे और अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। और फिर वापस वही मैटेड करना है, धागे को खींचते जाना है, वो अपना काम अंदर करता रहेगा चॉपर। देखिए कि है ना, देखिए कि कितने अच्छे से जूस पूरा हो चुका है। और जैसे ही मैं छन्नी के नीचे डाला तो पूरा जूस नीचे आ चुका है, और जो बाकी जूस बचा हुआ है उसको चम्मच के हेल्प से ऐसे दबा दबा के पूरा निकाल देंगे। और फिर डालेंगे इसमें ना थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी बचा होगा तरबूज मतलब पल्प में जूस, तो वो भी पूरा नीचे आ जाएगा। देखो कितना कम पानी यूज करके थोड़ा सा दबाएंगे तो अपना जूस हो गया। उसके बाद क्या ही करना है, एक गिलास लेंगे अपन और उसमें ट्रांसफर कर देंगे जूस को। और इसको पियो, बहुत मस्त लगता है, फटाफट बन भी गया, ना ज्यादा झंझट करनी पड़ी। और गार्निश कर लिया मैंने बढ़िया तरबूज के टुकड़े से रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।